सो हाई गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल, वेलकम बैक टू गेट अनदर वीडियो। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मॉर्निंग में मैं रेडी हूँ। गुड मॉर्निंग गाइज। तो हम जा रहे हैं, चलो मैं बता ही देती हूँ। तो हम जा रहे हैं गोवा। तो गोवा के लिए सारी प्रिपरेशन हो रही है। दो अपने लास्ट व्लॉग देखा उसमें, और अभी सुबह मॉर्निंग में उठ गए हैं जल्दी। और सबसे ज़्यादा एक्साइटेड इस बात के लिए हम, क्योंकि शनाई की ये फर्स्ट फ्लाइट है, तो एक्साइटेड भी है, थोड़ा नर्वस भी है, पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगी। तो चलिए, उसको भी रेडी कर दिया, नीचे गई है, मैं भी रेडी हो गई हूँ। अभी हम निकलेंगे सीधा एयरपोर्ट के लिए। तो कंटिन्यू रखेगा मेरा व्लॉग, और कंटिन्यू हमारे व्लॉग्स आएंगे आप के लिए गोवा के। तो सारे ब्लॉग्स देखिएगा और कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा। और अगर नए हो हमारे चैनल पे तो जल्दी से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारा चैनल। तो कमेंट करके जरूर बताना कैसे लगे आपको हमारे ब्लॉग्स, और अच्छे लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आर चैनल दिलावत फैमिली ब्लॉग्स। तो चलिए करते हैं अपना ब्लॉग कंटिन्यू। मित्तो, हेलो हेलो। तो यहाँ रख लिया हमने अपना लगेज, अब निकलते हैं। मैं देखो, आप बताओ कहाँ जा रहे हैं? फ्लाइट में जा रहे हैं ना। फ्लाइट में कहाँ जा रहे हैं सोना? तो और आपने क्या ले लिया? ओ, इतनी सारी पॉप अप ले ली। आप फ्लाइट में खाओगे? अच्छे से बैठ जाओगे ना? फ्लाइट भी नहीं करोगे ना? सो गाइस, हम निकल लिए हैं अपने एयरपोर्ट के लिए। तो चलिए मिलते हैं सीधा एयरपोर्ट। गाइस, हम आ गए हैं T3 टर्मिनल पे। यहाँ पे अपने ट्रॉली ले लिए, अपने यहाँ लगेज रखेंगे इस पे, और शनाय कह रही है मेरे को इस पे बैठना है। इसके ओह माय गॉड, नाइस। नहीं नहीं, ऐसे करके नहीं नहीं नहीं, इस पे बिठा के, हाँ ऐसे। नो नो, अब ये आ गया है सिस्टम कि आप बाहर से ही अपने बोर्डिंग पास कलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ मशीन लगी हुई है, यहीं से आप कलेक्ट कर सकते हो अपने बोर्डिंग पासेस। तो वही कर रहे हैं अभी, बोर्डिंग पास निकालेंगे अपने यहाँ से और फिर करेंगे अंदर एंट्री। तो हमारी फ़्लाइट है अराउंड 12:30 की, हम आ चुके हैं 9:30 में अभी। तो अंदर चल के थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लेंगे, और यहाँ नूनू यहाँ बोर्डिंग पास निकाल रहे हैं, और यहाँ शनाया अपनी ट्रॉली में बैठी हुई है आराम से। क्यूट गर्ल, मम्मास बेबी, इंजॉय कर रहे हो आप? ओके, हमारे बोर्डिंग पासेस आ गए हैं, हमने कलेक्ट कर लिए यहाँ से अपने बोर्डिंग पासेस। तो इसमें बेसिकली 4 स्टेप्स हैं, ई टिकट्स के, कंफर्म डिटेल्स, बैगेज एंड प्रिंट आउट। तो आप ये चारों स्टेप कर लोगे तो आपके बोर्डिंग पास आपके पास आ ही जाते हैं। बाहर से ही हमें बोर्डिंग पास मिल गया, अब चल रहा है, लाइन लगी हुई है, तो करें। हम आ गए हैं एयरपोर्ट में अंदर। हमने अपने बोर्डिंग पासेस बाहर से कलेक्ट कर लिए थे जैसा कि आपने देखा है वीडियो में। तो बस अंदर जाके अब हमें अपना लगेज डिपॉजिट कराना है, उसके बाद चलेंगे लॉन्च में, कुछ खाएंगे, भूख लगी है, ब्रेकफास्ट करना है। तो यहाँ चनाया बैठी हुई है आराम से, गेट नंबर देख। सो गाइस, अंदर हमने एंट्री कर ली है, रश नहीं था। हाँ जी, हाँ उधर लेके चलेंगे। अब सुबह सुबह मॉर्निंग में जल्दी निकले थे, ब्रेकफास्ट किया नहीं था, तो यहीं पे लॉन्च में ब्रेकफास्ट करेंगे अभी। तो उसमें भी कुछ है, मैं दिखाती हूँ कुछ बढ़िया चीज़, वो आगे डिस्कस करती हूँ, अनाउंस करेंगे। नहीं, आप क्या बोल रहे थे? लेट हो जाएंगे, फिर से बोलो। कम फास्ट, लेट हो जाएंगे मम्मा। ओके, सो गाइस, हमने अपना लगेज चेक इन करा लिया है, अब सीधा जा रहे हैं लॉन्च की तरफ, और वहाँ जा कर करेंगे ब्रेकफास्ट। तो लाइन लंबी थी नहीं, जल्दी फटाफट सारी चीज़ें हो गई। तो चलिए दिखाते हैं वहाँ क्या है सरप्राइज। सो गाइस, वी आर गोइंग इन दिस लॉन्च, इन क्लेम लॉन्च। यहाँ चल के करेंगे अपना ब्रेकफास्ट वगैरह। Thank you.
सो गाइस, अभी हम इनक्लेव लॉन्च में हैं और इसमें क्या है, अगर आपके पास कोई अच्छी बैंक का क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है, तो अगर आपका डेबिट कार्ड है तो आपके लगेंगे 25 रुपीज़ और वो भी रिटर्न आ जाएंगे और कुछ भी खाइए अनलिमिटेड, और क्रेडिट कार्ड पे लगेंगे 2 रुपीज़ और उसमें भी आप कुछ भी खाइए अनलिमिटेड। तो अनुज गए हुए हैं कुछ लेने के लिए ब्रेकफास्ट में, देखते हैं क्या लेके आते हैं। और शनाया को भी भूख लग गई है, कह रही है मम्मा मेरे को खाना खाना है, तो चलिए देखते हैं यहाँ का फूड टेस्ट करते हैं कि कैसा फूड है। यहाँ आ गए हैं हमारा खाना, यहाँ लेके आए हैं सांभर, इडली, कुलचा एंड छोले। चना कुलचा आपको क्या खाना है? इडली खानी है? इडली खानी है, कुलचा खाना है, क्या खाना है? कुलचा। ओके, हेलो हेलो तांचना, देखो हेलो जाओ भेजो इस। हमने लॉन्च में इतना टाइम लगा दिया ना कि अब हमें दौड़ दौड़ के जाना पड़ रहा है, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म जिस गेट नंबर पे हमारी फ़्लाइट हमें करना है चेक इन, वो बहुत दूर था। और अनुज देखिए यहाँ कार में बैठ के आए हैं शनाया को लेके, क्योंकि इसको लेके भागना बहुत इम्पॉसिबल सा लग रहा था। और चलिए फाइनली टाइम पे लास्ट कॉल पे हम पहुँच गए अपने, और सबसे ज़्यादा नर्वस तो इसलिए कि शनाया की फ़र्स्ट फ्लाइट है, तो देखते हैं उसका एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। होप अच्छे से बैठ जाए, वो परेशान ना हो। तो चलिए फाइनली देखिए हम आ गए हैं, अपना चेकिंग कर लिया है हमने और यहाँ फ्लाइट्स खड़ी हुई है आप देख रहे हो, और बहुत लेट हो गए थे, बहुत दौड़ दौड़ के, जैसे मैंने देखा दौड़ दौड़ के भाग भाग के कार में बैठ के आए हैं। चलो फाइनली पहुँच गए, अब चलते हैं करते हैं एंट्री। आपने क्या खाया हुआ है? हाँ आप आराम से चलना। ओके अपनी कैब बुक की हुई है, जो हमने 5 डेज़ के लिए पहले एडवांस में ले ली है, तो कैब आने वाली होगी हमारी। और चलते हैं अब जहाँ हमने अपने टेल्स बुक किए हुए हैं।
सो गाइस हम आ गए हैं गोवा में। ये है हमारी प्रॉपर्टी साइफर दिया स्टे। बहुत सुंदर प्रॉपर्टी है ये, हमने अपने 2 डेज के लिए यहाँ बुक किए हुए हैं रूम्स अपने। तो यहाँ पूल एरिया और बहुत चीज़ें मिलेंगी, चल के अंदर देखते हैं कैसे रूम्स हैं। पर प्रॉपर्टी तो बहुत सुंदर लग रही है, जैसे कि आप देख रहे हो, आपको भी देखने में बहुत सुंदर प्रॉपर्टी है ये, अभी नई बनी है गोवा में। और ये रही हमने जो कार अपनी ली हुई है 5 डेज के लिए, तो इसी में घूमेंगे फॉर्चुनर में। और ये रहा हमारा स्टे, और वेदू आते ही लग गई है अपने, उसको बॉल मिल गई, खेलने लगी, बहुत सुंदर। ओह माय गॉड, सो ये है इसका पूल एरिया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर प्रॉपर्टी है ये गाइस। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर ज़रूर कर दूँगी। सो गाइस बहुत सुंदर प्रॉपर्टी, आप गोवा आ रहे हो तो ये आप स्टे ले सकते हो, बहुत सुंदर है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी ज़रूर आपके लिए। और अभी अभी नया बनाना, तो बहुत सुंदर प्रॉपर्टी है ये, तो आप ये आके इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। ऐसा अंदर से रूम्स दिखाते हैं। Let me show you the rooms, जो हमने विला बुक किया हुआ है। शाय आपको कैसा लगा? अच्छा है, इट्स ब्यूटीफुल बेबी। एंड दिस इज द वॉशरूम एंड दिस इज द किचन, वाओ सो प्रिटी। एंड डाइनिंग एरिया, और ये है एक बेडरूम, ओह वाओ, और ये मिरर लगा हुआ है। और यहाँ एक बालकनी है ये सिटिंग एरिया के लिए भी, और ये है पूल एरिया। तो गाइस बहुत सुंदर प्रॉपर्टी है, हमें बहुत पसंद आई है। तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में ज़रूर लिंक डाल दूँगी, अगर आप गोवा आ रहे हो तो प्लीज़ ज़रूर विज़िट करिए। और देखिए कितना ब्यूटीफुल वॉशरूम है, और ये देखिए, तो ये तो एक विज़िट करने वाली ही प्रॉपर्टी है, आइए विज़िट करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और देखिए ये वाह, स्विमिंग पूल भी है, तो हम ऊपर चल रहे हैं, ऊपर के भी रूम्स आपको दिखाती हूँ। ये वाला फ्लावर पॉट भी बहुत अच्छा लग रहा है, आइडियाज़ मिल रहे हैं, घर में हम डेकोरेट कर सकते हैं। मैं रील्स के लिए, मेरे को चाहिए होता है बैकग्राउंड में पीछे कुछ प्लांट्स ऐड करने के लिए, ये भी बहुत सुंदर है। और ये एक कॉमन एरिया है, नैना वीडियो बना रही है। ये है सेकेंड बेडरूम, है वह लुक। और यहाँ भी बहुत वही बढ़िया सा मिरर लगा हुआ है। और ये रहा बालकनी एरिया बैठने के लिए, और ये है यहाँ वॉशरूम, बहुत अच्छा है। ये है यहाँ का स्पेस, कॉमन एरिया, ये बालकनी एरिया, और एक बेडरूम, ये रहा वाह। ये रहा बालकनी एरिया, और नीचे से यहाँ से दिखा देती हूँ पूल एरिया। तो वो जो है, ये जो आप देख रहे हो, ये दूसरा विला है, हमने एक विला बुक किया है, इसमें 3 रूम्स आपको दिखा दिए मैंने। ये हमारा पूल एरिया,